हैदराबाद से जब पेपर निकला तो पहले रांची पहुंचा, फिर हजारीबाग में कुरियर ऑफिस पहुंचा, लेकिन वहां से किस तरीके से ये लीक हुआ, बड़ा सवाल बना हुआ है। और देखिए, जो कुरियर ऑफिस से स्टेट बैंक भी गया और स्टेट बैंक से एग्जाम सेंटर पर पहुंचा, ये भी जानकारी सबसे बड़ी सामने आई है। देखिए, अब ये सामने आ चुका है कि नौवे बक्से के साथ जो है वो पेपर लीक हुआ है, यानी कि यहाँ पर टेम्परिंग हुई है, पेपर निकाला गया है। तो आखिर ये पेपर कहाँ निकाला गया? आशंका इस बात की है कि या तो कुरियर ऑफिस और बैंक के बीच में कहीं पेपर निकाला गया, या फिर स्कूल और बैंक के बीच में इस पेपर को निकाला गया है और उसके बाद ही ये पेपर यहाँ पर लीक हुआ है। तो ग्राफिकली हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल इसलिए भी पैदा हो रहा है क्योंकि बैंक और स्कूल के बीच सिर्फ 4 किलोमीटर का फासला है। अब इस 4 किलोमीटर के फासले को 1 घंटे 30 मिनट में तय किया गया, इतना वक्त क्यों लगा, क्या यहाँ पर टेम्परिंग हुई है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा आशंका स्कूल और बैंक के बीच हेरा फेरी हुई है, ये शक जो है सामने आ रहा है। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि बैंक से पेपर निकला तो स्कूल तक 4 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1.5 घंटे का समय आखिर कैसे लग गया और इतना ज्यादा समय क्यों लगा, इसकी पड़ताल लगातार की जा रही है। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, पहले तो आप सिलसिलेवार तरीके से दर्शकों को बताइए कि कहां कहां से पेपर कहां पहुंचा और कहां पर टेम्परिंग हुई, क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले अहमदाबाद से 28 तारीख को पेपर चला था और उसके बाद वो रांची ब्लू डर्ट के ऑफिस में पहुंचा, जहां से निकलकर इस क्वेश्चन पेपर को 2 या 3 तारीख को हजारीबाग में सीधे स्टेट बैंक में पहुंचना था, लेकिन ये स्टेट बैंक नहीं पहुंचकर बल्कि वहां के ब्लू डर्ट कुरियर ऑफिस में पहुँचा और फिर वहाँ से एक छोटे गाड़ी से इसको स्टेट बैंक ले जाया गया। ये जो स्टेट बैंक में ले जाया गया जिस गाड़ी से, उस गाड़ी का नंबर अब तक पता नहीं चल पाया है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम वहां पर पहुंची थी और ब्लू डर्ट के जो उस एरिया का इंचार्ज है उसे पूछताछ करने की कोशिश की, तो उसने पहले इसके लिए टालमटोल किया और उसके बाद फिर उसने कहा कि छोटे ई रिक्शा से भेजा गया, जो कि जो ये 9 बक्से हैं ये छोटे ई रिक्शा पर जाना संभव नहीं है। तो अभी उसका जवाब ब्लू डर्ट कुरियर की तरफ से हजारीबाग की ओर से नहीं मिल पाया है। और वहीं सबसे अहम जो सवाल है, जिस दिन एग्जामिनेशन था उस दिन सुबह में स्टेट बैंक से क्वेश्चन पेपर निकलता है ओएसिस स्कूल के लिए, जहां पर स्कूल के प्रिंसिपल जो हैं वही डिस्ट्रिक्ट के कोऑर्डिनेटर हैं इस एग्जामिनेशन का, और वहां का जो डिप्टी प्रिंसिपल हैं वो उस स्कूल के सुपरिटेंडेंट हैं। तो ये दोनों पहुंचे थे वहां पर क्वेश्चन पेपर लेने के लिए और जब यहां से लेकर निकले तो इस 4 किलोमीटर की दूरी को तय करने में उनको तकरीबन 1.5 घंटे का वक्त लगा, जो 10 मिनट में आप पहुंच सकते हैं क्योंकि सुबह के वक्त में इस हजारीबाग इलाके में सड़कें खाली रहती हैं और इस बीच जो है आराम से आदमी पहुंच सकता है, लेकिन 1.5 घंटे में वहां पर पहुंचे, जो जांच में अब तक बातें सामने आई है उसके मुताबिक। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 9वां बक्सा है, 8 बक्से बिल्कुल सुरक्षित हैं, लेकिन 9वें बक्से का जो पिछला हिस्सा है उसके सील को तोड़ा गया है और वहां से एक बॉक्स में 72 क्वेश्चन पेपर रहता है और एक बंडल में 24 क्वेश्चन पेपर रहता है और सभी क्वेश्चन पेपर पहले से इनवेलप में रहते हैं। हाँ। तो ऐसे में अगर कोई इनवेलप खुलेगा तो ये राज खुल जाएगा। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जिस क्वेश्चन पेपर को खोला गया है उसके अगले हिस्से को नहीं, जहां से लॉक किया जाता है, जहां से चिपकाया जाता है, बल्कि दूसरे हिस्से से जो पहले से सील रहता है उसको काटा गया है और वहां से क्वेश्चन पेपर निकाला गया है। इतनी बड़ी धांधली यहां पर होना, यानी कि बच्चों के भविष्य के साथ ही सीधा सीधा खिलवाड़ है। अब सवाल यहां पर यह भी है कि जो बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी वो बड़े पदों पर बैठे प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल को दी गई थी, तो क्या यह संभव है कि वहां लोकल मदद के बगैर यह सब कुछ हो गया हो, क्योंकि वहां पर भी तो फिर शक जाएगा, वहां पर भी जांच होनी चाहिए। चंद्रमोहन, बिल्कुल, देखिए, आर्थिक अपराध इकाई अपने जांच में है पाया है कि 3 तारीख को जो संजीव मुखिया है उसके गैंग का एक सदस्य वहां पर 3 तारीख को मौजूद था, उसका मोबाइल वहां पर एक्टिव था और उससे ठीक 2 महीने पहले संजीव मुखिया गैंग के 3 लोग तकरीबन 3 महीने तक हजारीबाग में रहे हैं। और ये कड़ियां कहीं ना कहीं जुड़ती हुई नजर आ रही है कि संजीव मुखिया गैंग के लोग जो हैं वो स्कूल से मिले हुए हैं और यही वजह है कि जब क्वेश्चन पेपर बैंक से निकला और स्कूल की ओर जा रहा था इसी दौरान इस क्वेश्चन पेपर को लीक किया गया है। हो सकता है
कि यह क्वेश्चन पेपर स्कूल में पहुंचने के बाद लिख किया हो गया हो, यह भी हो सकता है। लेकिन जांच एजेंसियां यह पुख्ता जो जानकारी उनके पास से मिल पाई है उसके मुताबिक स्कूल की मिली भगत से यह क्वेश्चन पेपर लिख हुआ है। तो कोऑर्डिनेटर और सुपरिंटेंडेंट जो स्कूल के बनाए गए थे क्या वो भी जांच के दायरे में आएंगे, ये सवाल बना हुआ आपके पास, लौटेंगे। लेकिन नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की 2 सदस्यों की टीम पटना में बिहार के ईओयू के दफ्तर पहुंच चुकी है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, नीट पेपर लीक मामले में बातचीत की संभावना है। पेपर लीक मामले की जांच अब सीबीआई ने शुरू कर दी है और यही वजह है कि इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई अब पटना पहुंच चुकी है। ईओयू लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन अब सीबीआई जो है इस पूरे मामले में किस तरीके से जांच को आगे बढ़ाती है। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से ये पेपर ट्रेल जो है, ये जो धांधली है किस तरीके से हुई है, अब जानकारी मिल पा रही है कि क्या स्कूल में यहाँ पर धांधली हुई है, क्या कोऑर्डिनेटर या सुपरिंटेंडेंट जो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल है उनकी भूमिका यहाँ पर जो है संदेह के घेरे में है। और चंद्रमोहन हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रमोहन, सीबीआई की टीम भी पहुंच चुकी है पटना, लेकिन जिस तरीके से जानकारी मिल पा रही है कि कोऑर्डिनेटर और सुपरिंटेंडेंट जो बनाए गए थे, वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल ओएसएस स्कूल के, उनकी भूमिका पर क्या संदेह अब ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है? बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको तस्वीर दिखाते हैं आर्थिक अपराध इकाई का, जहां पर सीबीआई की टीम 2 सदस्यीय पहुंची हुई है और जो भी अधिकारी इस पूछताछ में और पूरे जांच में शामिल थे उनसे पेपर हैंडओवर लिया जा रहा है और साथ ही वो जो साक्ष्य और सबूत और इकबालिया बयान जो गिरफ्तार हुए हैं उनसे मिला है, उनसे जो पूछताछ हुई है, उनसे जो जानकारी मिली है उसको हैंडओवर ले रहे हैं। तो अभी सीबीआई की टीम अंदर आर्थिक अपराध इकाई के ऑफिस में मौजूद है और सबसे बड़ी बात यह है कि वो दो लोग जो वहाँ पर कोऑर्डिनेटर मौजूद थे वो भी रडार पर हैं, स्कूल के प्रिंसिपल रडार पर हैं और वहाँ पर दो वाइस प्रिंसिपल जो हैं वो भी रडार पर हैं, दो कोऑर्डिनेटर हैं वो भी रडार पर हैं और साथ ही वहाँ पर जो भी कर्मचारी और साथ ही गार्ड से लेकर ऊपरी स्तर तक जो भी कर्मचारी अधिकारी वहाँ पर स्कूल में मौजूद थे उन लोगों से भी पूछताछ होगी। लेकिन जो अब तक पूछताछ में बातें सामने आई है उसमें आर्थिक अपराध इकाई यह मानती है कि यह क्वेश्चन पेपर बैंक से निकलकर स्कूल तक पहुंचा है, तो जो मिली भगत है वो कहीं ना कहीं स्कूल की है और कोऑर्डिनेटर जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनाए गए थे वो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले वही सवालों के घेरे में है। यानी कि इसमें कितने किरदार रहे होंगे इसका भी यहाँ पर जो खुलासा है वो जरूर होना चाहिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया, आप नजर बना के रखिए। आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर बता दें, नीट मामले से जुड़ी हुई ब्रेकिंग न्यूज है। झारखंड के देवघर से बिहार पुलिस ने झुन्नू सिंह नाम के एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया था। जानकारी मिल पा रही है कि झुन्नू के घर से चिंटू समेत 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था और झुन्नू के घर से बकायदा एक डायरी मिल गई है और इसी डायरी में नीट पेपर लीक से जुड़ी हुई कई अहम जानकारी दर्ज है। आरोपी चिंटू समेत कई लोगों का हिसाब किताब इस डायरी में लिखा हुआ है। डायरी में छात्रों के नाम भी दर्ज हैं। बकायदा परीक्षा का नाम लिखा हुआ है। लीक पेपर के लिए किस तरह की डील किससे की गई है इसका पूरा जिक्र इस डायरी में मिल रहा है। डायरी में नीट पेपर के लिए 30 लाख से 55 लाख रुपए की डील का भी जिक्र किया गया है और अभी पुलिस इस डायरी को खंगाल रही है। खराब हैंडराइटिंग की वजह से पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल जरूर है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, नीट पेपर लीक को लेकर महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। महाराष्ट्र पुलिस ने लातूर से एक टीचर को भी इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। एटीएस ने 2 टीचर्स को पूछताछ के बाद लातूर पुलिस के हवाले कर दिया था और उसके बाद आपको बता दें एक आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया है। एटीएस को आरोपियों के फोन से कुछ हॉल टिकट और पैसे के लेन देन के भी सबूत मिले। लातूर पुलिस ने कुल 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और इसी से जुड़ी हुई अब इन्वेस्टिगेशन को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। एफआईआर में इस बात का पर्दाफाश हुआ है कि आरोपियों के मोबाइल पर कई स्टूडेंट्स के हॉल टिकट मिले। इसके अलावा लातूर के आरोपी टीचर दिल्ली में किसी गंगाधर नाम के शख्स के संपर्क में था जिससे वो पैसे का लेन देन कर रहे थे। महाराष्ट्र पुलिस दिल्ली के गंगाधर नाम के आरोपी की तलाश भी कर रही है। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नीट पेपर लीक मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने एक टीचर को गिरफ्तार कर लिया है। विवेक गुप्ता मुंबई से लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, ये टीचर के बारे में क्या और जानकारी मिल रही है, क्योंकि संपर्क किसी दिल्ली में गंगाधर नाम के व्यक्ति से हो रहा था और वो कौन है अभी तक पुलिस पता नहीं लगा पाई है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, नीट की जांच की जो आंच है वो अब धीरे धीरे महाराष्ट्र तक भी पहुंच चुकी है और महाराष्ट्र एटीएस ने कल लातूर में एक बड़ी छापेमारी की थी जिनमें 2 संदिग्ध लोग उठाए थे। ये दोनों संदिग्ध जो हैं वो जिला परिषद स्कूल के टीचर हैं जिनका नाम संजय यादव और जलील पठान है। उनसे घंटों पूछताछ की गई थी और रात में उन्हें
छोड़ दिया गया था, लेकिन जब उनके मोबाइल की रिपोर्ट आई तो उसके उनके दोनों आरोपी के मोबाइल में से कई व्हाट्सएप चैट ऐसे आए हैं जिनमें से पूरे महाराष्ट्र में जो नीट स्टूडेंट थे उनके हॉल पेपर यानी कि जो एडमिट कार्ड होते हैं वो पाए गए हैं। साथ ही साथ बड़ी तादाद में पैसों का लेन देन है उसकी चैट भी सामने आई है, जिसके बाद एटीएस ने उन्हें वापस बुलाया दोनों आरोपियों को और एक आरोपी जिसका नाम जलील पठान है, जिला परिषद का टीचर है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करने के बाद एटीएस ने पूरा जो मामला है वो शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन जो लातूर में आता है उनके हवाले कर दिया है, लेकिन जो दूसरा आरोपी है जो जिला परिषद का टीचर है संजय यादव वो फरार होने में कामयाब हो गया है। उसकी दबिश के लिए उसकी तलाश के लिए दबिशें दी जा रही हैं और छापेमारी की जा रही है और शक ऐसा जताया जा रहा है कि जो पूरा नीट का जो स्कैम हुआ है बिहार से शुरू होकर दिल्ली तक पहुंचा है, हो सकता है कि दो ये जो दो आरोपी जो दिल्ली में बैठे गंगाधर नाम के शख्स के साथ लगातार संपर्क में थे, गंगाधर ही वो शख्स है जो इनको पैसों की लेन देन की बात कर रहा था, उसका पुलिस अभी तलाश कर रही है क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस अब गंगाधर को बड़ी बेसब्री से तलाश कर रही है। हो सकता है बहुत जल्द तौर पर देखिए नीट का जो मामला वो गहराता नजर आ रहा है, जांच की आंच अब महाराष्ट्र पहुंची है, वहां पर चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, एक टीचर को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।